Good morning to my dear students. मैं इंजीनियर आकृति इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. लास्ट वीडियो में मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ाया था, आपको समझाया था, उस ग्राफ को देखकर डोमेन एंड रेंज लिखना भी सिखाया था. और मैं बोली थी कि बाकी के ग्राफ में नहीं बताऊंगी, जैसे मैंने साइन इनवर्स का बनाया ठीक वैसे ही आप बच्चे बाकी के ग्राफ हमारे बुकलेट से खुद से पढ़िए. जहां दिक्कत होता है व्हाट्सएप करिए, मैं आपके डाउट को डिस्कस करूंगी. तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम हमें बुकलेट नहीं मिल रहा है. प्यारे बच्चे, आप हमारे चैनल पर नए हैं इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, जल्दी से डाउनलोड करिए और फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए. साइड में तीन लाइन दिया हुआ है, उसमें स्टडी मटेरियल लिंक पर क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा बुकलेट. उसमें चैप्टर टू को देखिए. चैप्टर टू के बुकलेट में, फॉर्मूला बुकलेट में सारे ग्राफ बने हुए हैं और डोमेन एंड रेंज भी लिखा हुआ है. आप वहां से सभी का ग्राफ देख सकते हैं, डोमेन एंड रेंज लिख सकते हैं. मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूं जिससे आप ये चीजें परमानेंटली ब्रेन में स्टोर रख सकें. समझिएगा, साइन एक्स की बात कर लूं. आप बच्चे पहले से जानते हैं कि माइनस वन से वन साइन एक्स लाई करता है. इसका मतलब इन दोनों का रेंज है माइनस वन से वन. जो साइन एक्स का रेंज है वही तो इनवर्स का डोमेन होता है, वही तो इन दोनों का डोमेन होता है. टैन एक्स का ग्राफ बनाकर आपको सिखाती हूं. ये टैन एक्स का ग्राफ है, ये टैन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया. माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक गया, इट मींस पूरा का पूरा रियल नंबर में ये फैला हुआ है. अगर कॉर्टेक्स के ग्राफ की बात कर लें, क्या आप जानते हैं कि रियल नंबर को हम लोग माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं. अगर कॉट की बात कर लूं, कॉट का ग्राफ डिक्रीजिंग होता. जब इलेवेंथ का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगी तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ डिटेल में सिखाऊंगी. जब इलेवेंथ का फंक्शन पढ़ाऊंगी तो पूरा फंक्शन डिटेल में सिखाऊंगी. आप बच्चे उस समय वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा. ये कॉर्टेक्स का ग्राफ है, यह भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है. इट मींस पूरा का पूरा रियल नंबर या फिर दिस वन. सेक और कॉसेक याद दिला देती हूं. सेक का ग्राफ वही होता है जो कॉसेक कॉस से ऊपर. इट मींस ये कॉस का ग्राफ है. अब मैं सेक का ग्राफ बनाने जा रही हूं. ब्लू मार्कर से जो ग्राफ नजर आ रहा है वो सेक का ग्राफ है. ब्लू मार्कर से जो भी ग्राफ नजर आ रहा है वो सेक का ग्राफ है. इट मींस ये माइनस, ये वन है, ये माइनस वन है. पाई अपॉन टू, थ्री पाई अपॉन टू, फाइव पाई अपॉन टू, माइनस पाई अपॉन टू, माइनस थ्री पाई अपॉन टू. अब अगर मैं ब्लैक ग्राफ को मिटा दूं, अगर मैं ब्लैक ग्राफ को मिटा देती हूं तो ये जो ब्लू मार्कर से ग्राफ दिख रहा है यही ग्राफ. अब हम लोग, ये मैंने जो ग्राफ बनाया वो कॉसेक एक्स का बनाया. कॉसेक एक्स का रेंज है माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन
वंस इंफिनिटी। मैं इसको दूसरे शब्दों में कह सकती हूं, ये पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट दिस वन। इतने के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, इस बीच में कोई ग्राफ नहीं है, बाकी पूरे में ग्राफ फैला हुआ है। तो मैं लिख सकती हूं रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से वन, रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से लेकर वन। अब सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब मैं इसका टेस्ट लूंगी, जैसे ही यह चैप्टर खत्म होगा मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगी, और जब मैं इसका टेस्ट लूंगी तो डोमेन और रेंज उसमें पूछूंगी, आपको याद रहेगा तभी तो आप बताएंगे। अगर डोमेन याद है तो रेंज बहुत आसान है। पहले तो क्लोज ब्रैकेट दे दिया, साइन कितना रेडियन पर वन या माइनस वन, माइनस पाई बाई टू पर माइनस वन एंड पाई बाई टू पर वन। कॉस वन होता है जीरो पे, माइनस वन होता है पाई पे, लिख दिया। ओपन इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी होता है माइनस पाई पे, प्लस इंफिनिटी होता है पाई बाई टू पे। कॉट माइनस इंफिनिटी होता है जीरो पे, इंफिनिटी होता है पाई पे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मैंने उल्टा बोला था, कॉट इनफाइनाइट जीरो माइनस इनफाइनाइट पाई। हम लोग यहां सीख रहे, क्लोज ब्रैकेट था तो मैंने क्लोज दिया, ओपन ब्रैकेट है तो ओपन दिया। और सेक और कॉसेक में सेक कॉस को फॉलो करेगा, कॉसेक साइन को फॉलो करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट, यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? ये सेक है ना, ये जो मैंने सेक एक्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप, यहां जो सेक एक्स लिखा है ये कहां पे अनडिफाइंड होगा, वही एक्सेप्ट करेंगे। सेक एक्स होता है वन बाई कॉस एक्स। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तब जब ये जीरो हो और ये जीरो 90 पे होता है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इन दोनों के ठीक बीच का नंबर छोड़ देना है, एक्सेप्ट इन दोनों के ठीक बीच का नंबर। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है, कॉसिक इनवर्स एक्स में जीरो क्यों छोड़ा? क्योंकि अगर कॉसिक एक्स की बात कर लें तो वन अपॉन साइन एक्स होगा। एक्स के जगह जीरो रखूंगी तो साइन जीरो जीरो हो गया, और वन अपॉन जीरो, वन ये इनफाइनाइट तब होगा जब ये जीरो होगा, और एक्स के जगह जीरो रखने से साइन जीरो जीरो, वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, कॉसेक अनडिफाइंड, इसलिए कॉसेक इनवर्स में जीरो को मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। इट मींस एट एक्स इक्वल टू जीरो कॉसेक एक्स इज अनडिफाइंड, मींस कॉसेक इनवर्स के रेंज में जीरो कभी नहीं आ सकता है। आप एक बार डोमेन और रेंज को अच्छे से देख लीजिए। उतने में मैं एक क्वेश्चन लिखती हूं, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव, एनडीए का फेवरेट। अब हमारे बुकलेट के एनडीए लेवल में सिर्फ इस टेबल पर मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं, आप बुकलेट जब बनाएंगे तो देख सकते हैं। एनसीईआरटी ने भी एक क्वेश्चन दिया है, मैं जिसको करवाऊं, क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन लिखते ही आपको कमेंट कर देना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लिखेंगे होमवर्क वन और ऑप्शन लिखेंगे। पहला ऑप्शन है जीरो से लेकर वाई, दूसरा ऑप्शन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तीसरा ऑप्शन है जीरो से पाई, और चौथा ऑप्शन है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू।
अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो को पॉज करिए और पहले कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, होमवर्क वन और ऑप्शन ए बी सी या डी लिखिए। चलिए, मुझे लगता है अब तक आप सोच चुके होंगे। अब मैं सॉल्यूशन के लिए डिस्कशन करती हूं। चारों ऑप्शन वाई के बारे में दे रहा है, हमें पता है एक्स डोमेन होता है और वाई रेंज होता है। एक्स डोमेन होता है, वाई रेंज होता है। सारे ऑप्शन में वाई की बात की जा रही है, मतलब रेंज की बात की जा रही है। साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मेरे पास दो ऑप्शन आ चुका है। अब इन दोनों में कौन सा करेक्ट होगा, इसमें इक्वालिटी है, इसमें इक्वालिटी नहीं है। आंसर में क्लोज्ड ब्रैकेट है, मतलब इक्वालिटी होगा। अगर इक्वालिटी नहीं है तो अब ये ओपन इंटरवल है, इसलिए इक्वालिटी नहीं है। डी ऑप्शन तब होता जब इंटरवल ओपन होता, इसलिए डी तो करेक्ट हो, फॉल्स हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, साइन इनवर्स का रेंज क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्लोज ब्रैकेट मतलब इक्वालिटी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलती हूं। एफ वन में मैं आपको पढ़ाई थी दो ग्रुप का मेंबर, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे छह। एफ टू में मैं आपको पढ़ाई आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, मैंने आपको पढ़ाया। एफ थ्री में सिंपल रेसिप्रोकल वाला बताई थी, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इस पैटर्न का ऑल सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। यहां हम लोग एफ फोर में देखेंगे, ऐसा कुछ बताने जा रही हूं जिसमें आपको दोबारा नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ एक बार आप समझ लीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये दोनों कट गया, कैंसल आउट और एंगल बचा। ऐसा तभी लिखेंगे जब ये एंगल साइन इनवर्स के रेंज में होगा। अभी अभी जो मैं आपको रेंज पढ़ाई वो इसी दिन के लिए पढ़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पर मैं ऐसे छह होंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स, कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कैंसल इसी शर्त पर होंगे जब ये एंगल इसका रेंज होगा, इट मींस जीरो से लेकर पाई होगा। टैन इनवर्स टैन एक्स की वैल्यू एक्स तभी होगी जब ये एंगल इसका रेंज होगा। इस तरीके से आप इसका रेंज भी आपको याद होना चाहिए। कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू एक्स तभी होगी जब ये इसका रेंज होगा। सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू एक्स तभी होगी जब एक्स इसके रेंज में होगा। इसके रेंज में होगा का मतलब हमें पता है कि सेक का रेंज ऐसा होता है, जीरो से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, और लास्ट की बात कर लूं कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्स तभी होगी जब एक्स की वैल्यू इसका रेंज यानी माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू एक्सेप्ट
इन दोनों के बीच का। अब इस पर बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगी, और अगर वो समझ गए मतलब आज का लेक्चर आप पूरा सीख गए। ये क्वेश्चन नहीं, ये तो मैंने एक आसान सा क्वेश्चन लिया शुरुआत करने के लिए, ताकि शुरुआत अच्छी हो। इसके बाद मैं 4, 5, 6 क्वेश्चन करवाऊंगी, तब तक क्वेश्चन करवाती रहूंगी जब तक कि आप सीख ना जाए। एक बात बता देती हूं, इसे इतना डिटेल में ये तभी काम आएगा जब रेंज या डोमेन पूछा जाए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में काम आएगा ग्रुप वन का तीनों मेंबर साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। ग्रुप वन का तीनों मेंबर का रेंज -π/2 से π/2, ग्रुप टू का तीनों मेंबर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। ग्रुप टू के तीनों मेंबर का रेंज 0 से लेकर π। हमारे आगे आने वाले 5-6 क्वेश्चन में सिर्फ यही काम आएंगे। एक क्वेश्चन पक्का है, अगर आप ये सीख गए तो इनवर्स ट्रिगो में फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करती हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेती हूं, कॉट इनवर्स टेन पाई अपॉन 4। बाहर कॉट इनवर्स है, मैं अंदर कॉट चाहती हूं, सो दैट ये प्रॉपर्टी F4 लगा सकूं। मैं इसे कॉट चाहती हूं तो एक प्रॉपर्टी होता है कॉट चाहती हूं तो कॉट 90 - θ टैन थीटा होता है। यही प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूं। है मेरे पास टैन थीटा, टैन थीटा है, इस टैन थीटा को मैं ये लिख देती हूं कॉट 90 - θ। और हम लोग इसे पहले सिंप्लीफाई कर देती हूं, कॉट इनवर्स कॉट ऑप्शन को देखते हुए कह सकते हैं कि क्वेश्चन में ये 7 था, ये 7 था क्वेश्चन में और ये 7 था। अब 2 और 7 का एलसीएम 14, 7π - 2π। कॉट इनवर्स कॉट 5π/14 प्रॉपर्टी है, दीस टू गेट्स कैंसल्ड आउट, सिर्फ x बचेगा, मतलब सिर्फ 5π/14 बचेगा, और इस 5π/14 को ही हम आंसर लिखेंगे। कोई ऑप्शन में है 5π/14? यस, हमारे सी ऑप्शन में 5π/14 है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। टिपिकल क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रही हूं, 1 मार्क्स में पूछा जाता है टिपिकल, यानी थोड़ा सा सोचना है। उस टिपिकल को आसान बनाने के लिए मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी पर नोट करते वक्त इसमें डबल स्टार या इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले याद दिला दूं, ये दोनों कैंसल होके ये तब होगा जब ये एंगल इसके रेंज में होगा। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये इसके रेंज में है, तो देख लेते हैं। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, आपको बता रखा है मैंने, साइन, कॉसेक और टैन इन तीनों का रेंज -π/2 से π/2 होता है, कॉस, सेक, कॉट इन तीनों का रेंज 0 से लेकर π होता है। -π/2 से π/2 पहले ग्रुप में ये है। अब ये एंगल देखते हैं, इस एंगल को आप ऐसे लिखिएगा π/5, 180/5, 36,
इंटू थ्री आ गया 108 डिग्री। माइनस 90 से 90 के बीच में ये नहीं है, बियॉन्ड रेंज है। इसका मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 को देखना है और 3 को देखना है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से ये 3 क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। जब कभी नहीं डिवाइड होगा तो क्या करेंगे वो सुनना है। साइन इनवर्स 3π/5 हमारा क्वेश्चन है। 5 से मैंने डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हुआ। जब कभी डिवाइड ना हो हर बार पाई में माइनस करना है, पाई में माइनस करना है। डिनोमिनेटर में 5 है, मैंने 5 लिख दिया। अब यहां क्या लिखूं कि ये एलसीएम लेने से ऐसा आ जाए। 5 पाई में क्या लिखूं कि 3π आ जाए। 5π में क्या लिखूं कि ये 3π आ जाए, तो होगा 5π में 2π माइनस करूंगी तो 3π आ जाएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ऐसे रिजल्ट अपने बुकलेट के फॉर्मूला बुकलेट सेक्शन में दिया हुआ है, पूरा एक टेबल बना हुआ है। आप हमारा बुकलेट हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक दो क्वेश्चन के बाद मैं पूरा इसको समझा भी दूंगी एक बार। वैसे तो ये क्लास 11th का पोर्शन था। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए मैं यहां लिखूंगी साइन इनवर्स साइन थीटा। दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट एंड करेक्ट आंसर हो गया ऐसा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स तब होगी जब ये एंगल इसके रेंज में होगा, यानी ये तब होगा जब एंगल -π/2 से लेकर π/2 होगा। इस बीच में होगा, इसलिए तो ये तो उस बीच में है ही। 180/5 36 इंटू 2 72 इस बीच में, इसलिए ये दोनों कैंसल हो गया और ये करेक्ट आंसर हो गया। 2π/5 करेक्ट आंसर बी हो गया। आप बच्चे नोट्स बनाने वक्त ऐसे कभी मत करिएगा, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। मेरा क्या है, मैं तो अगले क्वेश्चन कराने के लिए इसको मिटा दूंगी। आपको अपनी कॉपी को पूरे एक साल तक कई बार रिवाइज करना है, इसलिए इसमें मत करिएगा, यहां नीचे लिखिएगा ऑप्शन बी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना है यहां क्या होगा। सबसे पहले याद दिला देती हूं, 0 से π होता है, π/6 180/6 30 डिग्री गुना 7 210 डिग्री। 0 से 180 ये बियॉन्ड रेंज है, इसका मतलब हमें डिवाइड करना होगा। 6 से डिवाइड करना होगा, 6 से डिवाइड कर देती हूं मैं। 6 से 7 कितने बार में डिवाइड होगा, एक बार में डिवाइड होगा। 6 × π आ गया ये। तो मैं अब इस क्वेश्चन को लिख लेती हूं, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। मैं इसे लिखने के लिए ये दोनों कैंसल करके लिख सकती थी 7π/6, लेकिन ये तो रेंज में है ही नहीं, मतलब मुझे डिवाइड करना होगा और मैंने डिवाइड किया। यहां हमें लिखना है 6 से डिवाइड किया,
quotient plus remainder by divisor. ये division algorithm मैंने लिख दिया, ये लिखने के बाद एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे. 6π + π 7π, देखना है कि ये सही लिखा है या गलत. अब cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था cos पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस cos थीटा. cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, यहां हम लिखेंगे cos पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस cos थीटा. याद है F1 फॉर्मूला नंबर 1, cos इनवर्स माइनस और x. फॉर्मूला 1 ये ग्रुप 2 का मेंबर है, इसलिए हम लिखेंगे कि cos इनवर्स माइनस x को पाई माइनस cos इनवर्स x बोलेंगे. इस माइनस की वजह से हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x. रिजल्ट आ गया, दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट, पाई माइनस पाई बाय 6, 5π/6 हमारा आंसर आ गया. कौन से ऑप्शन में 5π/6 है? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. इस क्वेश्चन को 2-3 बार आपको बनाना होगा, सो दैट कि आपका कमांड हो सके इस पैटर्न के क्वेश्चन पर. हम लोग अभी 3 और क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा. 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां लिया है, ये दोनों ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, इसके बाद मैंने यूज किया कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, इस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी टेन पाई माइनस थीटा, इस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगा 2π + θ. तो इसे बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट सिखा देती हूं, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है. ये जो एक्स एक्सिस का लाइन है, इसे ओन होम बोलते हैं, अपना घर. 0π, 2π, ये सभी एंगल अपना घर है. अपना घर है का मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. और ये एंगल π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 फ्रेंड्स होम है, इसका मतलब चेंज होगा. अब चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा? चेंज किसमें होगा? साइन बदलेगा कॉस में, टैन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कॉसेक में. मैंने एरो दोनों तरफ दिया है, मींस कॉस चेंज टू साइन, कॉट विल चेंज टू टैन, कॉसेक विल चेंज टू सेक. अब किसमें क्या पॉजिटिव? ASTC रूल, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, सी फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव. एड शुगर टू कॉफी, ASTC रूल. बात करती हूं, पाई है, पाई ओन होम नो चेंज, साइन रह जाएगा साइन में, पाई ओन होम नो चेंज, कॉस रह जाएगा कॉस में, टैन रह जाएगा टैन में, 2π भी ओन होम नो चेंज, कॉस रह जाएगा कॉस में. अब इसकी बात करती हूं, पाई में माइनस, ये रहा पाई, कुछ माइनस करना है, वापस आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है? ओरिजिनल फॉर्म देखते हैं, इसको नहीं देखते हैं, इधर वाले को देखते हैं.
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव, जो मैं इसके पिछले क्वेश्चन में यूज की थी. पाई प्लस थीटा, ये रहा पाई प्लस समथिंग, मैंने प्लस कर दिया. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है. पाई माइनस थीटा, ये रहा पाई, कुछ माइनस कर लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मतलब टैन नेगेटिव. टू पाई प्लस थीटा, टू पाई मतलब एक साइकिल पूरा कंप्लीट किया, प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट. इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब कॉस तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो पॉजिटिव आ चुका. अब हम लोग यहां क्या देखेंगे, कैसे होता है मैंने सिखा दिया. अब ये दोनों क्वेश्चन आपको देखना है, जो मैं पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में देती हूं, ये कंप्लीट वीडियो का नोट्स, पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूं. जो बच्चे नए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर से नहीं जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं. हमारे कोचिंग के बच्चों के लिए अलग ग्रुप है, उन्हें दोबारा से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सारे इंफॉर्मेशन अपने सभी ग्रुप में, बोरिंग रोड के लिए अलग ग्रुप है, कंकड़बाग के लिए अलग ग्रुप है, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग ग्रुप है, सेम इंफॉर्मेशन तीनों ग्रुप में सेंड करती हूं. इसलिए जो भी बच्चे एक से ज्यादा ग्रुप में एडेड हैं, वो अपने आप को दूसरे ग्रुप से क्विट कर लें. जो पुराने टाइम से ग्रुप चलता चला आ रहा है, जो 11th से ही चल रहा है, उसी ग्रुप में रहें. ये जो नया ग्रुप का मैंने फॉर्मेशन किया है, वो उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैं फ्री एडुकेशन दे रही हूं, यूट्यूब से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ओपन टू ऑल है, क्योंकि वो बाकी में जुड़ नहीं सकते हैं. तो ये वाला आपको अलग से सेपरेट नोट डाउन करना होगा, पीडीएफ में ये अवेलेबल नहीं होगा. कम टू आवर क्वेश्चन. अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलती हूं. हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा. ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है. हमारा क्वेश्चन है टैन इनवर्स टैन दिस वन. सबसे पहले रेंज चेक करते हैं. टैन साइन कोसेक टैन तीनों ग्रुप वन का मेंबर है, -90 से 90, 3π/4 180/4 45 गुना 3 हो गया 135, जो कि इस बीच में नहीं है वो इसमें है, यानी कि बियॉन्ड रेंज है, इस ग्रुप में नहीं है, बियॉन्ड रेंज है 3π/4. अब रेंज में लाने के लिए प्रयास करूंगी मैं 4 से 3π को डिवाइड करना होगा. ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 4 से कम है ये 3π, ये 4 से डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि ये उससे कम है. अब बात कर लेती हूं मैं, क्वेश्चन को दोबारा लिखती हूं. tan इनवर्स tan 3π/4, ये इसके रेंज में नहीं है, इसलिए 4 से मैंने 3π को डिवाइड किया, ये डिवाइड ही नहीं हुआ. तो जब कभी डिवाइड ना हो तो हम लोग पाई माइनस समथिंग करते हैं. पाई माइनस समथिंग करते हैं, एलसीएम 4 है तो मैं 4 लूंगी. अब यहां क्या लिखूं कि बैलेंस होकर ऐसा हो जाए, 4π में पाई माइनस करूंगी, 3π/4 आ जाएगा. tan π माइनस थीटा आ गया माइनस tan थीटा. अब F1 के पास जाएंगे, अगर ये माइनस नहीं होता, ये दोनों कैंसल होके आंसर π/4 हो जाता. अगर ये माइनस नहीं होता तो आंसर π/4 होता. पहले इस माइनस को हटाना होगा. माइनस को हटाने के लिए पहली प्रॉपर्टी tan इनवर्स -x, क्योंकि ये ग्रुप वन का मेंबर है, क्योंकि ये ग्रुप वन का मेंबर है, इसलिए ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा.
यहां मैंने माइनस को बाहर कर लिया, टैन इनवर्स टैन पाई बाई फोर, ये दोनों कैंसल आउट क्योंकि पाई बाई फोर इसके बीच में है, डायरेक्ट आंसर माइनस पाई बाई फोर। कौन से ऑप्शन में माइनस पाई बाई फोर है? डी ऑप्शन में माइनस पाई बाई फोर है। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड इसको पूछती है, एनडीए भी पूछती है और एक मार्क्स में ही सिर्फ पूछती है। कम टू दिस क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, क्वेश्चन है कॉस इनवर्स दिस वन, हमें कॉस का रेंज मालूम है जीरो से पाई, छह से डिवाइड करेंगे इसको। पहले ये कितना डिग्री लिखा हुआ है, 180 बाय 6 30, 30 इंटू 13 30 गुना 13 390 डिग्री, ये तो रेंज से बहुत बाहर है, रेंज तो जीरो से लेकर 180 तक ही है, ये एंगल उससे बाहर है, इसका मतलब हमें 6 से 13 पाई को डिवाइड करना होगा क्योंकि ये बियॉन्ड रेंज है। देखिएगा यहां ये बोर्ड विजिबल है, ये किनारा दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो ठीक है, 6 से 13 पाई को डिवाइड करूंगी, 6 टू जा 12 पाई। अब मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को लिखती हूं, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेती हूं, ये दोनों कटकर ये आंसर होता तब जब ये एंगल इसके रेंज में होता, ये दोनों कैंसल होके ये आंसर मैं लिख सकती थी तभी जब ये एंगल इसके रेंज में होगा, रेंज में नहीं है तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूं और यहां डिवाइड करके लिखती हूं कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि सही लिखा हुआ है या नहीं, 6 टू जा 12 प्लस 1 13 पाई बाय 6। अब कॉस 2 पाई प्लस थीटा, थोड़ी देर पहले तो समझाई थी मैं कि क्या होता है और बुकलेट में इसका टेबल भी दी हुई हूं, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा होगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा होगा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसल आउट, करेक्ट आंसर आ गया पाई अपॉन 6। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है पाई अपॉन 6? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक पे करवाऊंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा और स्टेट बोर्ड तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेती है ये क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए मैं स्टार्ट करती हूं, ध्यान देना है, अलग अलग दोनों को मैं प्रोसीड करूंगी। सबसे पहले मैं साइन इनवर्स के लिए करती हूं, हमें पता है कि साइन इनवर्स का रेंज माइनस 90 से 90 होता है और ये एंगल पाई बाई 3 180 बाई 3 60 गुना 2 120 डिग्री यहां है, बियॉन्ड रेंज है, तो 3 से इस 2 पाई को डिवाइड करना होगा। ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, जब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगी, इसे पाई में माइनस करूंगी, साइन पाई माइनस। अब पाई में क्या माइनस करूं कि ये ऐसा हो जाए, तो पाई इंटू 3 ये हो गया 3 पाई, 3 पाई में क्या माइनस करूं कि 2 पाई आ जाए, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, प्रॉपर्टी में लिखवाई थी, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, साइड में लिख भी सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा विल बी साइन थीटा।
अब यहां है साइन इनवर्स साइन दोनों कैंसल्ड आउट, आंसर आ गया पाई बाई थ्री। पहले पार्ट का आंसर पाई बाई थ्री हो गया, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो। पहला पार्ट आ चुका है, अब सेकेंड पार्ट तो बहुत आसान है। सेकेंड पार्ट है कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाई थ्री। हमें रेंज पता है जीरो से 180 और ये 120 डिग्री इसके बीच में ही है, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट, डायरेक्ट आंसर 2 पाई बाई थ्री। इस पार्ट का अलग निकाल लिया मैंने, इस पार्ट का अलग निकाल लिया, अब मैं दोनों को कैलकुलेट कर लेती हूं। नाउ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई थ्री प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई थ्री, दिस टू, इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू पाई बाई थ्री, इसकी वैल्यू 2 पाई बाई थ्री, एलसीएम हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई बाई थ्री, 3 पाई बाई थ्री और पाई हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होगा, लेकिन आप कमेंट करना मत भूलिए कि क्या इस पैटर्न के क्वेश्चन आप सीख पाए हैं। अगर आप सीख पाए हैं तो कमेंट करिएगा यस, और अगर नहीं सीख पाए हैं तो कमेंट करिएगा मैम डू मोर क्वेश्चन ऑन दिस वन। तो फिर जैसे ही आपका कमेंट आएगा इस टॉपिक पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। अगर 5 से 10 बच्चों का कमेंट आया कि नहीं सीखा हूं तो मैं जरूर बनाऊंगी, ऐसे मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे ये सीख चुके होंगे। अब आप सुनिएगा, आपको होमवर्क कहां से करना है, इस पैटर्न के क्वेश्चन एनसीईआरटी में 5-6 हैं, देखते ही आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो ग्रुप में मैं होमवर्क सेंड कर दूंगी, बस आप रिमाइंड कर लीजिएगा। थैंक यू।